नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मोस्टली यूनिक। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं एक सेल्फ स्टीयरिंग मग। तो चलिए सीधे चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। दोस्तों, सामने की तरफ देखने को मिलता है ये मग जिस पे लिखा हुआ है सेल्फ स्टीयरिंग मग, और इसकी पैकिंग में भी यहाँ पे सेल्फ स्टीयरिंग मग लिखा हुआ है और ये इसकी पिक्चर बनी हुई है। और ऊपर की साइड में देखें या साइड में देखें तो ये सेम ही है, इसमें सिर्फ इसका जो सेल्फ स्टीयरिंग मग का जो नाम है वही प्रिंट हुआ हुआ है। और पीछे की साइड अगर देखें तो यहाँ पे भी इसकी एक पिक्चर बनी हुई है। ये इसका बताया गया है कि ढक्कन है, कैप है, और इसमें यहाँ पे जो है बताया गया है कि इसमें 2 AAA बैटरीज लगेंगी जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, आपको अलग से परचेज करके और इसमें लगानी पड़ेंगी। और तो कुछ इसमें खास डिटेल है नहीं, तो चलिए इसको सीधे ओपन करके और यूज़ करके देखते हैं। तो दोस्तों, ये है वो सेल्फ स्टीयरिंग मग। और तो कुछ इसके पैकेट में है नहीं। और यहाँ अंदर की साइड में इसमें बैटरी सेफ्टी और बैटरी रिप्लेसमेंट के बारे में डिटेल दी गई है, बाकी कोई ऐसा यूज़र मैनुअल इसके साथ नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। और मैं बता दूं दोस्तों आपको कि ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, बाहर से स्टेनलेस स्टील का है, लुक बहुत ही इसका अच्छा आ रहा है। ये इसका कैप है ऊपर से और यहाँ से ये जो है खुला हुआ है ताकि आप इसको इसमें से ही सिप ले सकें। अगर आपको खोल के इसको और नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ढक्कन को क्लोज करके भी यहाँ से सिप ले सकते हैं। तो ये अच्छा ऑप्शन है और इसका ढक्कन भी अच्छी तरीके से बंद हो जाता है। और अंदर से देखें तो ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये यही घूमेगा तभी जो है स्टिर होगा। और ये इसका ये स्टिर बटन है, जब भी आपको ड्रिंक को स्टिर करना होगा तो इसको प्रेस करना पड़ेगा तभी वो घूमेगा और ड्रिंक जो है वो स्टिर हो जाएगी। और इसका नीचे का जो ये पैनल है इसको देखिए, इसमें ओपन और क्लोज लिखा हुआ है। जब इसको एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा और ये बैटरी कंपार्टमेंट इसके हैं, यहाँ पे बैटरीज डालेंगे तभी ये ऑन होगा। और इसको बंद करना है तो वापस इसको रख के और क्लॉकवाइज इसको अगर घुमा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसमें एक ही मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली कि यहाँ पे बंद करने के बाद भी यहाँ पे गैप है थोड़ा, तो इसको वॉश करते समय ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, बाकी तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए इसमें बैटरीज डाल के और यूज़ करके देखते हैं इसको कि वाकई ये स्टेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं बता दूँ फिर से दोस्तों कि इसमें जो बैटरीज हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, आपको अलग से परचेज करके और इसमें डालनी पड़ेंगी। तो चलिए अब इसको यूज़ करके देखते हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें बैटरीज डाल दी हैं, अब हम देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। और स्टिर बटन को हम अगर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये घूमने लगा, मतलब ये काम कर रहा है। अब इसमें कुछ ड्रिंक को डाल के और स्टिर करके देखते हैं कि कैसा स्टिर होता है। तो दोस्तों, मैंने ये इंस्टेंट टी मिक्सचर यहाँ पर ले लिया है और हम इसमें हॉट वाटर डाल के और ये इंस्टेंट टी डाल के इसमें और इसको स्टिर करके देखेंगे कि अच्छे से स्टिर हो रहा है कि नहीं। तो चलिए इसमें हॉट वाटर डालते हैं पहले। अब इसमें ये इंस्टेंट मिक्सचर डालते हैं। अब दोस्तों इसको हम लोग स्टिर करते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्टिर हो रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से, स्टिर हो रहा है बहुत बढ़िया है। ये स्टिर हो रहा है दोस्तों, कोई स्पून की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से ये स्टिर हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, इतनी बढ़िया तरीके से ये स्टिर हो गया है, बहुत बढ़िया। मैं दोबारा से इसको करता हूँ, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से स्टिर हो रहा है।
किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने बटन प्रेस किया और ये स्थिर होना ये चालू हो गया। और ये देखिए ये जो टी है वो बन के तैयार है। कलर भी इसका बहुत ही अच्छा आया है, मतलब ये पूरी तरीके से जो है मिक्स हो चुका है। ये देखिए पूरी तरीके से ये अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स हो गया है। बहुत बढ़िया ये प्रोडक्ट। इसको दोस्तों अगर आपको आदत हो सुबह उठ के अगर नींबू पानी पीने की, हॉट लेमन वाटर, तो ये भी उसके लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये आपको स्पून यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट बटन दबाया और ये स्टिर हो जाएगा आराम से। बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको परचेज़ करना हो तो इसका जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी लाइक करिए। थैंक यू गाइस, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो का। थैंक यू।